आज हम बनाए हैं बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में कच्चे आम और पुदीना की चटनी, जिसमें हम लाल मिर्ची रोस्ट करके डाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही तीखा और चटपटा जायकेदार है। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सीजन का सबसे फेवरेट चटनी। अभी आम का सीजन है और कच्चा आम का चटनी ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम ये दो आम छील के काट के फ्रेश करके ले लिए हैं, और ये पुदीना है, और 6-7 कली लहसुन है, 4-5 में लाल मिर्च है जिसको हम आग में सेक करके ले लिए हैं, पका लिए हैं। चटनी तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बनाइए। हरा मिर्ची का चटनी का स्वाद अलग हो जाता है, और ये लाल मिर्ची जब हम रोस्ट करके डालते हैं इसका स्वाद अलग हो जाता है। और इसमें साथ में हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो इसे हम सब मिक्सी में डाल लेते हैं जार में। पहले पुदीना डाल लेते हैं। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अपने स्टाइल का बहुत छोटा छोटा ऐसे ही रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाते रहूंगी। जार में अगर एक बार में नहीं आएगा तो थोड़ा सा चलाने के बाद हम फिर से डाल लेंगे इसको। हालांकि आ गया, नमक थोड़ा चलाने के बाद मिक्स करेंगे। देखिए चटनी हम पीस लिए मिक्सी की मदद से। आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे का तो और हर चीज बहुत टेस्टी होता है। अब इसे हम चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं बाउल में। देखिए कितना सुंदर बन गया है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और पसंद आए तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए, और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए 2 मिनट में चटनी तैयार हो गया। ये चटनी हम 5 से 6 दिन स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब स्टोर हम कैसे करते हैं। स्टोर करने के लिए हम ये कांच का जार लेंगे, और इस जार में हम चटनी को स्टोर करेंगे। जार में स्टोर करने से चटनी बहुत अच्छा रहता है। अब फ्रिज में हम रखेंगे स्टोर करके, बाहर नहीं रह पाएगा गर्मी में। तो इसे हम जार में इस प्रकार से रख देते हैं, और इसे निकालने के लिए हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये मेरे पास छोटा सा चम्मच है, जो कि बच्चों को कुल्फी या आइसक्रीम में मिलता है। इसे हम इसे ऐसे डाल करके रख देते हैं, जब भी खाना हो हम उसी को निकालते हैं। फ्रिज के किसी कोने में इसको हम रख देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।